हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अभी हम बात करने वाले हैं FSSAI रिक्रूटमेंट 2021 में जो वैकेंसीज़ निकली हैं उसमें, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो, चाहे आप रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे रिटर्न एग्ज़ाम तो इस बार है नहीं, इलेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करो यानी कि CBT बेस्ड टेस्ट जो हो रहा है, तो वहाँ पर आपको जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं, जब आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि आखिर ये फूड सेफ्टी का जो इकोसिस्टम है वो इंडिया में कैसे है, तो कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली कहीं से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कि तो आप सोच रहे हैं उससे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा अच्छे से। FSSAI भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं देता है। अभी पिछले कुछ महीने पहले जो आप देखेंगे कि जो IT से रिलेटेड या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर सिलेबस जैसे FSSAI का था, तो उस FSSAI से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे ना वो IT में IT की तरह पूछे गए थे, टेक्निकल पार्ट में टेक्निकल की तरह पूछे गए थे, और आप जब असिस्टेंट डायरेक्टर यानी एडमिन या फिर फाइनेंस में जब जाएंगे तो वहाँ पर उस तरीके से, मतलब टॉपिक वही है, चीज़ें वही हैं, लेकिन उसको पूछने का तरीका अलग है। तो आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसी बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा यार, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजिली मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ यार सब्सक्राइब करना इसलिए मैं बोलता हूँ, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमारे इतने मेंबर्स हो गए हैं, तो हमें उनको अच्छा कंटेंट, अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें और अच्छा बेटर करना है? ठीक है, तो बहुत सारे लोग जब जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें और अच्छा करना चाहिए, और अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिससे लोग हमसे और जुड़ें। इसके साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जरूर जुड़िए, जो कि है swaeducation_official के नाम से। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, वहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है तो इमीडिएटली हम प्रोवाइड कर देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे मेंबर्स हैं, अगर कोई बुक परचेज करना चाहता है टेलीग्राम में तो वो अगर पूछता है तो वहाँ पर कुछ मेंबर्स आते हैं, उनको पिन करते हैं, उनको मैसेज करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम हाफ रेट में ऐसा कुछ दे रहे हैं, तो प्लीज़ यार ये सब मत करो। वो हमसे परचेज करके वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि इलीगल है। कई लोगों को हमने बोला भी है, उन्होंने सॉरी भी बोला है, अपनी मिस्टेक भी है, उसको एक्सेप्ट भी किया है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे लोग हैं, तो बार बार सबको कहना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप अपने करियर पे फोकस करो जो करने आए हो, ठीक है, बाकी इन सब चीज़ों में मत पड़ो। इसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये कुछ मेरे बारे में, यार मैंने BTech इन बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है, इसके साथ ही साथ जो मेरा मास्टर्स यानी MTech जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी में है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमने बोला कि हम फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ डिफिनीशंस होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप FSSAI में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट की पोस्ट हो, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट हो, चाहे वो फूड एनालिस्ट की पोस्ट हो, या फिर उससे अब किसी टेक्निकल डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट हो, FSSAI से रिलेटेड अगर पोस्टन आता है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सिंपल कुछ डिफिनीशंस के बारे में देखेंगे, जैसे एडल्ट्रेंट हो गया, या फिर एडवर्टाइजमेंट हो गया, या फिर आप देखेंगे कि फूड क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ने किस तरीके से डिफाइन किया है उस बारे में हम आप देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, मतलब एकदम लॉ में कोई भी चीज़ें इफ़ एंड बट या फिर कुछ नहीं होता है, वहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, वही फॉलो होती हैं। ठीक है, अगर आगे चीज़ें बढ़ती हैं, जब जा करके आप देखेंगे कि जब आप इस फील्ड में एंटर करेंगे, जब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे, उसके बाद में जब आप अपनी जॉब परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी, किताबों से एकदम हटके होंगी। तो वहाँ पर ये जो टर्म्स हैं ये आपको डेली सुनने को मिलेंगे, इनसे आपको अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जा रहे हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं जिसके बारे में मैंने बताया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको जो मैंने लिया है, ये लिया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से, तो वहाँ पर जाकर भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो है वो है अडल्ट्रेंट।
आखिर अडल्ट्रेंट होता क्या है और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है इसको कैसे डिफाइन करता है। नॉर्मली अडल्ट्रेंट बोलें तो आप बोल सकते हैं कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर उसको ऐड किया जा रहा है तो उसको ऐड करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम अडल्ट्रेशन बोलेंगे, और जिस पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को या फिर मटेरियल को ऐड किया गया है उसे हम अडल्ट्रेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, वो कहता है कि मीन्स एनी मटेरियल विच इज़ और कुड बी एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग द फूड अनसेफ, मिसब्रांडेड और इसी के साथ साथ सब स्टैंडर्ड और एक्स्ट्रा कंटेनिंग एक्सट्रानियस मैटर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी फूड में अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल या फिर ऐसा मटेरियल ऐड किया जा रहा है जिससे वो फूड अनसेफ हो जाता है या फिर सब स्टैंडर्ड हो जाता है या फिर मिसब्रांडेड हो जाता है, तो ये सारा किसकी कैटेगरी में आएगा वो पर्टिकुलर मटेरियल, उसको हम अडल्ट्रेंट बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड जो है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप जानते ही हैं, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट किया जाए जिससे हम उसकी सेल को बढ़ा सकें। तो बहुत सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं फिर उसको मार्केट करते हैं जिससे वो अपनी मार्केट को कैप्चर कर सकें और अपने फूड को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें। तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, मतलब आप अपने प्रोडक्ट की कैसे भी पब्लिसिटी अगर बढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑडियो के थ्रू हो, चाहे वो विजुअल वीडियो रिप्रेजेंटेशन हो या फिर अदर कोई रिप्रेजेंटेशन हो। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि मीन्स अगर कोई लाइट का यूज़ कर रहे हैं, साउंड का यूज़ कर रहे हैं, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट, इंक्लूड्स थ्रू एनी नोटिस, मतलब किसी भी तरीके की जो चीज़ें हैं जिसको आप पर्टिकुलरली आपका जो इंटेंशन है वो यही है कैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा चेयरपर्सन। देखिए यहाँ पर जो चेयरपर्सन की बात हो रही है, जब भी आप फूड सेफ्टी की तैयारी कर रहे हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट पढ़ रहे हैं या फिर FSSAI की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस किसी भी स्टेट फूड अथॉरिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो टर्म आएगा चेयरपर्सन, तो समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी के चेयरपर्सन की बात हो रही है, फूड अथॉरिटी यानी कि FSSAI के चेयरपर्सन की बात हो रही है। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस टाइम पर जो हमारी चेयरपर्सन है वो कौन है, ठीक है। उसके बाद में डी पॉइंट आ जाता है क्लेम। आखिर क्लेम क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कि आप फूड बिज़नेस ऑपरेटर हैं या फिर मैं कोई फूड बिज़नेस ऑपरेटर हूं, तो हम कोई प्रोडक्ट को मैं मैन्युफैक्चर करता हूं या फिर आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप मार्केट में कॉम्पिटिट करने के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ क्लेम करते हैं कि हाँ हमारे प्रोडक्ट की कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हमारे प्रोडक्ट में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो इसके लिए आप क्लेम करते हैं। उसको क्लेम करने के लिए आप उसके लेबल पे कुछ प्रिंट कराते हैं, कुछ लिखवाते हैं कि हाँ कि हम इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, आपको हमारे प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें मिलेंगी मिलेंगी, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लेम बोलते हैं। जैसे कि मीन्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच स्टेट्स, यानी कि फूड के ऊपर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन, कोई ऐसा जो भी लिखा होता है कि मतलब जो लेबलिंग होती है उस पर पर्टिकुलर जो वो क्या कहता है, सजेस्ट इम्प्लाइज दैट द फूड हैज़ पर्टिकुलर क्वालिटीज़। कहने का मतलब है वो स्टेटमेंट वहाँ पर जो भी लेबलिंग वगैरह है उस पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या हैं, वो एक तरीके से वो ये करता है कि ये डिसाइड करता है कि उस फूड में क्या क्या अवेलेबल है। तो इसके लिए कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर जो क्लेम करता है वो इसी तरीके से करता है, और इसमें कहता है कि जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर फूड का नेचर, प्रोसेसिंग और फूड का कंपोजिशन क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर फूड के लेबल पे अवेलेबल होती है, तो इसे जो भी मैन्युफैक्चर करता है वो इसे क्लेम करता है। क्योंकि क्लेम जो होता है वो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के थ्रू ही होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए और बताने के लिए कि कंपेयर करने के लिए कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये आपको चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद में ये पॉइंट है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। देखिए कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी यहाँ पर दिया गया है, मीन्स द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30, बस इतना लिखा हुआ है। देखिए कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी पर्टिकुलर स्टेट, हमारे इंडिया में जितने स्टेट हैं हर स्टेट में जैसे फूड का, जैसे आप देखेंगे कि हमारे स्टेट में एक DGP होता है यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, उनके अंडर में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आता है, उसी तरीके से कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं, उनके अंडर में पूरा स्टेट का फूड डिपार्टमेंट आता है। तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है अंडर सेक्शन 30 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के, और जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है वही अपने स्टेट में सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि
हम कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कब बनेंगे, अगर हम फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हैं उसके बाद में हमारा कब प्रमोशन होगा। तो यहाँ पर मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। यहाँ पर आपका कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, पहले आपको मतलब यूपीएससी के थ्रू आपको आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, फिर उसके बाद में जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में आपको अपॉइंट करती है। तो इसी तरीके से ये कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगी, आप सर्च करते रहेंगे, ठीक है। जितना आप यहाँ पर सुन रहे हैं उनको अच्छे से सुनिए। फिर है कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर यानी कि यूज़र, जो भी उस पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम कर रहा है या फिर यूज़ कर रहा है उसको हम कंज्यूमर बोलेंगे। यानी कि मीन्स पर्सन एंड फैमिलीज परचेजिंग द रिसीविंग फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर पर्सनल नीड्स, ठीक है। किसी भी तरीके से आप उस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आप वो कंज्यूमर कहलाएंगे। यानी कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट लॉ की लैंग्वेज में कंज्यूमर, कंज्यूमर की डिफिनीशन ये है। उसके बाद में बात करें तो आता है नेक्स्ट टर्म, आता है कंटामिनेंट। तो कंटामिनेंट क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मीन्स एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, वेदर और नॉट एडेड टू फूड, ठीक है, चाहे उसे फूड में ऐड किया गया हो चाहे ना ऐड किया गया हो, ठीक है, बट विच इज़ प्रेजेंट इन सच फूड, बट वो फूड में प्रेजेंट है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन के टाइम पे भी उसमें कहीं से वो आकर के ऐड हो जाता है, और जिसमें कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जो इंक्लूड होते हैं उस टाइम पे, जैसे ऑपरेशन कैरिड आउट इन क्रॉप हस्बेंड्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, वेटनरी मेडिसिन हो गया, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी कंटामिनेट्स हैं अगर आकर के वहाँ पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंटामिनेंट बोलेंगे, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे कि जैसे ट्रांसपोर्ट हो और होल्डिंग हो गया सच फूड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, तो ये सारी चीज़ों से जो भी चीज़ें वहाँ पर आकर के ऐड हो रही हैं तो वो कंटामिनेंट उसे हम बोलेंगे। एंड डज नॉट इंक्लूड इंसेक्ट फ्रैगमेंट और रोडेंट हेयर एंड अदर एक्सट्रानियस मैटर। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों को छोड़ करके जो इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट फ्रैगमेंट्स हो गए, ठीक है, रोडेंट हेयर्स हो गया, ठीक है, एंड अदर एक्सट्रानियस मैटर हैं, उनको कंटामिनेंट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक टर्म आता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या होता है? हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर सुना, तो देखो डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है या फिर एक हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से जो फूड का कैडर होता है उस फूड के कैडर में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर में भी दो ऑफिसर होते हैं, एक सेंट्रल डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है और एक स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है, बोल सकते हो। तो एक स्टेट का डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है और एक होता है सेंट्रल डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो सेंट्रल डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करता है FSSAI एंड स्टेट डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करता है स्टेट फूड अथॉरिटी। स्टेट फूड अथॉरिटी क्या बोले, जो स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो इसे अपॉइंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो तरीके के डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपको देखने को मिले। यहाँ पर लिखा है मीन्स द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 36, तो इतना ही लिखा हुआ है। तो जैसा कि अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में 5-6 साल से लगातार हर ईयर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है जिसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको यूपी में देखने को मिलेगा कि हर स्टेट में ये आपको पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपको यूपी में देखने को मिलेगी। तो ये जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है जिसको हम FSO DO बोल सकते हैं, ये आपको सिर्फ यूपी में अभी तक ज़्यादातर देखने को मिलेगी और सभी स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या होता है। उसके बाद में आता है एक्स्ट्रानियस मैटर क्या होता है, ठीक है। पीछे हमने देखा कंटामिनेंट के बारे में, अब हम देखते हैं कि एक्स्ट्रानियस मैटर क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मीन्स एनी मैटर कंटेंड इन एन आर्टिकल ऑफ फूड विच मे बी कैरिड आउट फ्रॉम द रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल और इसके साथ ही साथ प्रोसेस सिस्टम यूज्ड फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग और विच इज एडेड टू इट, बट सच मैटर डज नॉट रेंडर सच आर्टिकल ऑफ फूड अनसेफ। कहने का मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रानियस मैटर को ऐसे डिफाइन किया गया है कि कोई भी एनी सब्सटेंस या फिर एनी मैटर कंटेंड इन आर्टिकल ऑफ फूड, फूड के अंदर कोई भी ऐसा मैटर
जो कि अगर देखा जाए कि रॉ मटेरियल से आया है, रॉ मटेरियल से उसे लाया गया है, या फिर वो पैकेजिंग मटेरियल से आया है, या फिर जो फूड की प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ से वो आया है, ठीक है। लेकिन ये जो मैटर है, इससे जो एक्सट्रानियस मैटर है, लेकिन ये फूड को अनसेफ नहीं बनाता है। इस बात को आपको याद ध्यान रखना है कि जो एक्सट्रानियस मैटर होता है वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। वो पैकेजिंग से भी आ सकता है, या फिर रॉ मटेरियल से आ सकता है, या फिर जो फूड की प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेस के टाइम पे भी वहाँ फूड में ऐड हो सकता है, लेकिन वो फूड को अनसेफ नहीं बनाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद में एक टर्म आता है फूड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड हम बेसिकली अगर नॉर्मली बोलें तो फूड क्या होता है, जो भी हम कंज्यूम करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे हम फूड बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 क्या बोलता है, फूड को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, इस बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ी डिफिनीशन है, बहुत बड़े तरीके से इलेबोरेट किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ने। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मीन्स एनी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, वेदर प्रोसेस्ड, पार्शियली प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड, चाहे वो प्रोसेस्ड हो, चाहे वो अनप्रोसेस्ड हो, चाहे वो पार्शियली प्रोसेस्ड हो, विच इज़ इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, एंड इंक्लूड्स प्राइमरी फूड टू एक्सटेंड डिफाइन इन क्लॉज जेड के। ये आप आगे जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड टू पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्लास में और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड फूड, फूड कंटेनिंग सच इंग्रेडिएंट और इन्फेंट फूड, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, अल्कोहलिक ड्रिंक और च्युइंगम हो गया, एंड एनी सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वाटर यूज्ड इनटू द फूड ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए फूड को कैसे कैटेगराइज किया गया। कहने का मतलब है कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस जिसको चाहे वो प्रोसेस्ड हो, चाहे वो अनप्रोसेस्ड हो, चाहे वो पार्शियली प्रोसेस्ड हो, ठीक है, उसको अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाया गया है तो हम उसे फूड बोलेंगे, ठीक है। वो फूड की कैटेगरी में आएगा, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी हो सकते हैं, इंजीनियर्ड फूड भी हो सकते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं, इन्फेंट फूड हो सकता है, जो पैकेज ड्रिंक की वाटर है वो भी फूड की कैटेगरी में आएगा, अल्कोहलिक ड्रिंक भी फूड की कैटेगरी में, च्युइंगम एंड एनी अदर सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वाटर, वाटर ऑल्सो आएगा क्योंकि मैं फूड की कैटेगरी में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जैसे कि वाटर का यूज़ करते हैं फूड को मैन्युफैक्चर करने में, प्रिपरेशन करने में और ट्रीटमेंट करने में, ठीक है, तो वाटर को भी हम फूड की कैटेगरी में देखेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी एनिमल फीड, किसी भी एनिमल फीड को फूड की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया गया, लाइव एनिमल को फूड की कैटेगरी में नहीं ऐड किया गया, ठीक है, अनलेस जब तक कि दे आर प्रिपेयर्ड और प्रोसेस्ड फॉर प्लेसिंग ऑन द मार्केट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जब तक कि उनको मार्केट में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं लाया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले कोई भी फूड की नहीं होता है, जैसे एनिमल फीड हो गया या लाइव एनिमल्स हो गया, उसके बाद में उसको प्रोसेस करके जब उसको मार्केट में लेकर के आ जाता है तब उसे फूड की कैटेगरी में हम काउंट कर सकते हैं, तब उसे फूड बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है प्रायर टू हार्वेस्टिंग ड्रग एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक और नारकोटिक, और आप देखेंगे कि अदर जो सब्सटेंसेस, उसमें आगे ये दिया गया है प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट। कहने का मतलब ये है कि इनके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं, जैसे आप देखेंगे कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गया, नारकोटिक वगैरह हो गया, उनको जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई नहीं करेगी कि इनको फूड की कैटेगरी में काउंट किया जा सकता है, तब तक उन्हें एज अ फूड काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ को हम, जो भी चीज़ है अगर उसे खाया जा सकता है तो हम उसे फूड नहीं बोल सकते हैं जब तक इसको प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है फूड एडिटिव्स। अब फूड एडिटिव्स क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें किसी से पूछें तो फूड एडिटिव्स यही कि मतलब कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जिसको हम फूड में ऐड करते हैं उसको हम फूड एडिटिव्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्निकली अगर देखें तो मीन्स एनी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड एज अ फूड बाय इट्सेल्फ और यूज एज अ टिपिकल इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड, वेदर और नॉट इट हैज़ न्यूट्रिटिव वैल्यू, द इंटेंशनल एडिशन ऑफ विच टू फूड फॉर अ टेक्नोलॉजिकल पर्पस इन द मैन्युफैक्चर प्रोसेस, प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, ट्रीटमेंट और पैकिंग, पैकेजिंग और इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और होल्डिंग ऑफ सच फ्रूट फूड रिजल्ट और मे बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट, ठीक है, इन इट और इट्स बाय प्रोडक्ट बिकमिंग अ कॉम्पोनेंट ऑफ और अदरवाइज अफेक्टिंग द
स्टिक्स ऑफ सच फूड बट डज नॉट इंक्लूड कंटामिनेंट्स और सब्सटेंसेस एडेड टू फूड फॉर मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़। देखो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंसेस, ठीक है, नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड, जिसको मतलब कि नॉर्मली कंज्यूम नहीं किया जाता। आप फूड एडिटिव्स को देखेंगे जब, तो फूड एडिटिव्स को कोई भी पर्सन या फिर कोई भी कंज्यूमर मार्केट से परचेज करके डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उनको जब हम फूड की प्रोसेसिंग करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम फूड एडिटिव्स को यूज़ करते हैं। कभी कभी हम फूड को, फूड के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, फूड की फ्रेग्रेंसेस को इन्हेंस करने के लिए, इसके साथ ही साथ फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम फूड एडिटिव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे किसी सब्सटेंसेस का जब हम इन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ानी हो, चाहे आप देखेंगे कि फूड को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना हो, या फिर कुछ भी उसमें कलर्स के लिए जो यूज़ करते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, फूड एडिटिव्स की कैटेगरी में उस सब्सटेंस को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, तो आ जाता है फूड एनालिस्ट। तो यहाँ पर दिया हुआ है मींस एंड एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 45, ठीक है। तो हमारा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है ना, तो उसमें 101 सेक्शन है, तो सेक्शन नंबर 45 में फूड एनालिस्ट के बारे में बताया गया है कि क्या वर्किंग होती है, क्या काम होता है। तो फूड एनालिस्ट जो होता है उसका जो है कि आपको पता है क्या काम होता है, कि फूड की टेस्टिंग करना। तो फूड की टेस्टिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग नॉर्मली आप किसी भी लेबोरेटरी में जाएंगे वहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, लेकिन जो फूड एनालिस्ट का जो टैग है वो FSSAI देता है, वो कुछ ही पर्संस को मिलता है। जैसे कि आप सबसे पहले देखा होगा कि आप जूनियर फूड एनालिस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, देन आप फूड एनालिस्ट का करते हैं, तब आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर आप फूड एनालिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो FSSAI के अंडर में जितनी भी लेबोरेटरी हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसमें FSSAI इनको पोस्टिंग देता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है यार, जब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हो, उसके बाद में जब आप मार्केट से कोई सैंपल कलेक्ट करते हो, ठीक है, उस सैंपल को जब आप टेस्टिंग के लिए भेजते हो, तो अब आप हर जगह तो नहीं भेज सकते, फिर जब आप लेबोरेटरी में भेजते हो, उसके बाद में जो रिपोर्ट रेडी होती है ना, वहाँ पर फूड एनालिस्ट ही उसको वेरीफाई करता है। फूड एनालिस्ट ही उसको वेरीफाई करके देता है कि इस पर्टिकुलर जो फूड है जो कलेक्ट किया गया वो सेफ है या अनसेफ है। उसके बाद में जो एक्शन लेना होता है फिर वो फूड सेफ्टी ऑफिसर लेता है। तो यहाँ पर ये बहुत, मतलब जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो एक कोलैबोरेशन के साथ में आपको कोऑपरेट करके सबके साथ में काम करना होगा, तो यहाँ पर फूड एनालिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में आ जाता है फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी की अगर बात करें तो मींस द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 4, यानी कि फूड अथॉरिटी का जहां भी टर्म आ जाए, यानी कि FSSAI की बात करी जा रही है। तो ये कह रहा है कि जहां भी फूड अथॉरिटी की बात होगी इंडिया में, चाहे वो कहीं भी बात हो, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी, तो वहां पर जो नाम आएगा वो FSSAI का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन टर्म को इसलिए डिफाइंड किया गया है कि आगे जा करके जब चीज़ें बड़े लेवल पर जाती हैं, ठीक है, तो वहां पर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है टर्म फूड बिजनेस, ठीक है। फूड बिजनेस क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मींस एनी अंडरटेकिंग वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट, ठीक है, वेदर पब्लिक और प्राइवेट। कोई भी आप देखेंगे, कोई भी अंडरटेकिंग, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, ठीक है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, कैरिंग आउट एनी ऑफ द एक्टिविटीज़, ठीक है, रिलेटेड टू एनी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर उसको किसी भी फूड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है, अगर प्रोसेसिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के लिए, इंपोर्ट के लिए, इंक्लूड फूड सर्विसेज, इससे रिलेटेड अगर कोई भी है, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें कर रहा है फूड से रिलेटेड, तो वहाँ पर इसे हम फूड बिजनेस बोलेंगे। उसके बाद में आ जाता है, अच्छा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या होता है। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है ना, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, FBO बोलते हैं जिसे हम शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार आया भी था। तो इन रिलेशन टू फूड बिजनेस मीन्स अ पर्सन बाय हुम द बिजनेस इज कैरिड ऑन और ओन्ड एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। कहने का मतलब है कोई भी पर्सन, मान लीजिए कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस चला रहा है फूड से रिलेटेड, कोई भी किसी भी बिजनेस को ओन कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे फूड बिजनेस ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। तो FSSAI की नज़र में या फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट की नज़र में उसे हम फूड बिजनेस ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, उसे सारी चीज़ें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी एक्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी एक्ट में जो भी लॉ लिखे हैं उन्हें कंप्लायंस करना पड़ेगा जब वो फूड की मैन्युफैक्चरिंग या उससे रिलेटेड कोई भी काम करता है। तो अब फूड लेबोरेटरी क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप की लेबोरेटरीज हैं इंडिया में, जब मीन्स
एनी फूड लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी एंड एक्रेडिटेटेड बाय नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। कहने का मतलब भी जो भी लेबोरेटरी हैं जो NABL से एक्रेडिटेटेड हैं, ठीक है, उन सबको हम फूड लेबोरेटरी बोलेंगे, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं एक्रेडिटेटेड फूड लेबोरेटरी है ना, जो पूरी तरीके से FSSAI के द्वारा रिकग्नाइज की गई है, उसे हम क्या बोलेंगे, फूड लेबोरेटरी बोलेंगे, और जिसके बारे में जो बात करी गई है सेक्शन नंबर 43 में बात करी गई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें फूड सेफ्टी की, तो आखिर फूड सेफ्टी क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मीन्स एश्योरेंस डैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड यूज। कहने का मतलब है कि फूड सेफ्टी टर्म यहाँ पर इसलिए है, कहने का मतलब ये है कि जो भी फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर वो फूड एक्सेप्टेबल है यानी कि वहाँ पे फूड की सेफ्टी की एश्योरेंस है, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये फूड जो है वो फूड सेफ्टी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक तरीके से एक्सेप्टेबल है, हम इस फूड को कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए पूरी तरीके से सेफ है, तो फूड सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में क्या है, फूड सेफ्टी ऑडिट क्या है। देखो बहुत सारे, जैसे कि ये आ गया फूड सेफ्टी, अब फूड सेफ्टी को फुलफिल करने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरर हैं जो फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो भी FSSAI ने जो भी क्राइटेरिया रखे हैं, ठीक है, उनको फुलफिल करना होता है। उसके बाद में अगर वो उन सब चीज़ों को नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक टर्म है फूड सेफ्टी ऑडिट, मीन्स अ सिस्टमैटिक एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फूड सेफ्टी मेजर्स अडॉप्टेड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू डिटरमाइन वेदर सच मेजर्स एंड रिलेटेड रिजल्ट मीट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड द क्लेम्स मेड इन दैट बिहाफ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, कि आपको ये सारे जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं इनको फुलफिल करना है, तो उसके अगर वो उसको नहीं करते हैं तो इसको कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पर एक फूड सेफ्टी ऑडिट होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक वो सिस्टमैटिक और फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फूड सेफ्टी होता है। तो वहाँ पर जब चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर पता चल जाता है कि हाँ कि ये जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर है इसने सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से किया है और जो भी फूड यहाँ से जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो पूरी तरीके से सेफ़ है, वहाँ पर हमें फूड सेफ्टी देखने को मिलेगी और उसको अच्छे से कंज्यूम किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो भी उन्होंने अपने फूड पे जो क्लेम किया था, जो पीछे बात करी थी क्लेम किया था, वो क्लेम जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो सही है या नहीं है, या फिर सिर्फ वो सिर्फ क्लेम कर दिया कि हाँ हमारे फूड का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इतना है, आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से सेफ है, हर एज के कैंडिडेट के लिए सही है, तो क्या वो वाकई में सही है, इसको पता लगाने के लिए फूड सेफ्टी ऑडिट होता है, ठीक है। उसके बाद में टर्म आता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मीन्स द अडॉप्शन ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, जिसको हम GMP बोलते हैं, और GHP यानी कि गुड हाइजेनिक प्रैक्टिसेस। उसके बाद में आ जाता है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट यानी कि HACCP एंड सच अदर प्रैक्टिसेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस, ठीक है, फॉर द फूड बिजनेस, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट के अंदर में कुछ, जैसे कि आपने देखा कि मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने अपनी पहले वाले वीडियोस में या फिर बुक्स में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ पर HACCP और GAP और GMP बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लाना चाहते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या फिर जहाँ भी फूड को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइजीन मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इनके बिना हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में उनके पास में HACCP का लाइसेंस होता है, GHP का लाइसेंस होता है, GMP का लाइसेंस होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आ जाता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 37, ठीक है। उसके बाद में टर्म आता है हैजार्ड, आखिर हैजार्ड क्या होता है, मीन्स अ बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल एजेंट, कोई भी बायोलॉजिकल फिजिकल या फिर केमिकल एजेंट हो सकता है, ठीक है, और कंडीशन ऑफ फूड विद द पोटेंशियल टू कॉज एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट,
ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा एजेंट, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या फिर केमिकल हो या फिर फिजिकल हो, जिसके पास में ये कैपेसिटी होगी कि वो, इसके पास में ये पोटेंशियल होगा कि जिससे वो हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, तो उसे हम हैजार्ड बोलेंगे। इन्हीं सब हैजार्ड को दूर करने के लिए हम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसमें HACCP और GMP GHP आ जाते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन सबको रोकने के लिए। फिर एक टर्म आ जाता है इम्पोर्ट। आखिर इम्पोर्ट क्या है? तो मीन्स ब्रिंगिंग इन टू इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर हम किसी भी फूड को अगर हम बाई लैंड लेकर के आ रहे हैं, या फिर बाई सी लेकर के आ रहे हैं, या फिर बाई एयर लेकर के आ रहे हैं, कैसे भी हम कंट्री में अगर उसको एंटर करा रहे हैं, तो वो इम्पोर्ट की कैटेगरी में आएगा। फिर आ जाता है इम्प्रूवमेंट नोटिस। मीन्स अ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 32 ऑफ दिस एक्ट। तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है वो इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू करता है। मान लिया कि किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर ने कुछ किया, कुछ गलत किया, या फिर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि बाय मिस्टेक उससे ये गलती हो गई, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करता है, उसको एक इम्प्रूवमेंट नोटिस देता है कि हाँ भाई सही है, मान लिया तुमसे गलती हो गई, इन सारी चीज़ों को तो इम्प्रूव कर लो, ठीक है। अगर वो इम्प्रूव कर लेता है जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके अगेंस्ट फिर जो एक्शन लेना होगा, फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर के अगेंस्ट, एक तो फूड सेफ्टी ऑफिसर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फिर उस पर बात करके वो लोग उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। पहले लेकिन इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है, अगर कोई बहुत बड़ा केस नहीं है तो, वरना फिर तो अगर इम्प्रूवमेंट नोटिस से काम चल जाता है तो पहले इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है। फिर आ जाता है इन्फेंट फूड एंड इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स। कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि जो इस कैटेगरी में उस फूड को रखा गया है जो, मतलब आप देखेंगे 6 मंथ से बिलो जो बेबी होते हैं उनको, उनके लिए जो फूड वगैरह यूज़ होता है, जो मिल्क प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, उसको यहाँ पे इन्फेंट फूड की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद में आता है कि इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट का मतलब यहाँ पर ये है, मींस एनी सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग अ फूड एडिटिव्स। देखिए यहाँ पर इंग्रेडिएंट के अंदर फूड एडिटिव्स भी आ गया, ठीक है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट पॉसिबली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। तो इंग्रेडिएंट का मतलब है कि कुछ भी अगर आप ऐड कर रहे हो फूड में, ठीक है, चाहे वो फूड एडिटिव्स ही क्यों ना हो, फूड की प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो हम उसे इंग्रेडिएंट बोलेंगे। लेबल की बात करें, आखिर लेबल क्या होता है? तो मींस एनी टैग, ब्रांड, मार्क, पिक्टोरियल एंड अदर डिस्क्रिप्टिव मैटर रिटेन प्रिंटेड, ठीक है, इसके साथ में स्टेंसिल्ड, ठीक है, मार्क्ड, और ये आपका इम्बोज्ड ग्राफिक, यानी कि कुछ भी हो अगर उस फूड के ऊपर मेंशन है, जो भी आप देख सकते हैं, जिसको विजुलाइज कर सकते हैं, वो सब लेबल की कैटेगरी में आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? लेबल बोलेंगे, ठीक है। तो आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप एक लेबलिंग और पैकेजिंग के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने थोड़ा सा जल्दी किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया था, तो कोशिश करिए कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसको देखने के बाद जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ये छोटे छोटे जो टर्म्स देखने को मिलेंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी नहीं होगी। ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं उनको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।